तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। पहला आता है हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक ये इंस्ट्रूमेंट रिलायबल होता है, स्टैटिक होता है, स्टेबल कंडीशन के लिए होता है। ये मैकेनिकली कंस्ट्रक्टेड होता है, बस इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि ये रैपिडली रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी और बल्की होते हैं, तो इसका ज़्यादा मास होता है। ये जनरली यूज होते हैं हमारे मास के लिए, ये जनरली हमारे जो यूज़ होते हैं वो मेज़रमेंट करने के लिए फोर्स, प्रेशर, स्पीड, इन चीज़ों के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज़ होता है मेज़रमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ये फास्टर होते हैं एक्शन में अगर हम मैकेनिकल के कंपेयर में देखें। ये कंसिस्ट करते हैं नीडल, स्पिंडल, स्प्रिंग। इनकी जो एक्यूरेसी होती है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत हाई होती है अगर हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में देखें। ये यूज़ होते हैं मेजरमेंट करने के लिए वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये यूज़ होते हैं एक्सटेंसिवली, जो मतलब इनका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है सबके कंपेयर में, और ये रिप्लेस कर देते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को। ये यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस को, और जो इनकी रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी से ये किसी चीज़ को मेज़र कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें।